हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ प्लेस. बिफोर स्टार्टिंग अप ऑफ वर्क, नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेस. आई निशा रानिक मेड टू बी अ विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम, दैट इज टू माई सेल्फ एंड माई कॉलेजेस फ्रॉम COVID-19. आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रोमिस टू फॉलो एंड इनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now open your chapter number 15, उसी की back exercise. ठीक है, नेकार्थक शब्द. बच्चे हम पढ़ चुके हैं, पहले मैंने आपको करवाया अनेकार्थक शब्द. ठीक है, अनेकार्थक शब्द क्या होता है? किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, मतलब उसके मतलब के और अर्थ निकलते हैं, उनको कहते हैं अनेकार्थक शब्द. ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ. आज हमने उसकी बैक पहले फ्रंट एक्सरसाइज की थी. ठीक है, हमने बैक एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, जो पेंडिंग है. नाउ प्रत्येक अनेकार्थक शब्द के दो दो विभिन्न अर्थ होते हैं. अब हर अनेकार्थक के दो दो शब्द होते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं. जैसे कि अंबर का हमने लिखा वस्त्र आकाश, ऐसे ही हरि का क्या बनेगा? शेर बंदर. ऐसे ही जग का एक बर्तन और संसार. ठीक है, आगे है उत्तर का एक दिशा और जवाब. ऐसे ही नेक्स्ट है दंड डंडा सजा. ठीक है, ये है हमने दो दो बिना विभिन्न अर्थ लिखे हैं अनेकार्थक शब्द के, दो दो अर्थ लिख के हमने खत्म किया है. ठीक है, हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट है उचित मिलान कीजिए. हमने मिलान करने हैं. ठीक है, जो सही है उसके सामने हमने क्या है एरो लेके जाना है और मिलान करना है उसी से. ठीक है, फर्स्ट है अदर. अदर का क्या होएगा? होठ बीच में. ठीक है, अदर का होता है होठ और बीच में. ऐसे ही नेक्स्ट है बल. बल का क्या आएगा? ताकत सेना. ठीक है, आगे है हार का क्या आएगा? पराजय माला. ठीक है, नेक्स्ट है पर. पर का पंख परंतु. ठीक है, नेक्स्ट है घट. घट का क्या आएगा? शीर घड़ा. ऐसे ही गन. गन का क्या आएगा? बादल और हथौड़ा. ठीक है, आगे है नेक्स्ट हमने करना है अनेक अर्थक शब्द लिखे, उनमें से उनके उनसे वाक्य बनाइए. अब अनेक अर्थक शब्द, ठीक है, उनके क्या करने हैं? उनके वाक्य बनाने हैं. जैसे कि अब फर्स्ट है जलस. ठीक है, जलस का मैंने बनाया, उसका हमने जलस का क्या होता है? कमल और शंख. ठीक है, हमने पहले कमल का वाक्य इन्होंने बनाया है, झील में कमल खिले हैं. ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने शंख का क्या बनाया? मंदिर में शंख बजा. ठीक है, अब मैंने भी आगे नेक्स्ट हमने बनाने हैं जल. जल का होता है पानी. ठीक है, मैंने बनाया पानी शरीर के लिए जरूरी है. ठीक है, ये आवश्यक है, अपनी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, मैंने ये वाक्य बना दिया. जल का और क्या होता है? जलना. ठीक है, तो जलने का लिखा है माचिस आग जलाने के काम आती है. ठीक है, मैंने इसका ये बना दिया, आपका मर्जी है, आप अपने तरीके से वाक्य बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है अंबर. अंबर का क्या है? वस्त्र और आकाश. ठीक है, मैंने वस्त्र का क्या लिखा है? वस्त्र इस्त्री कर रखे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आकाश. आकाश में बादल छाए हुए हैं. ठीक है, चाहे लिख सकते हो आकाश में घने बादल छाए हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अनेकार्थक शब्द क्या है? हरी. हरी का क्या बनेगा? इसके दो हैं अर्थ, देखो बंदर और शेर. बंदर का मैंने लिखा बंदर भाग रहा है. ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो. और मैंने शेर का लिख दिया शेर दौड़ रहा है. ठीक है, ओके, अपने तरीके से बच्चे वाक्य बना के आप लिख सकते हो नाउ. ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये चैप्टर. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.